हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा गेम बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर भाई आपको आर्टिस्ट जैसी फीलिंग 99% आएगी। और हाँ गाइस, इस गेम का हम लोग वर्सेस करेंगे क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग से, एंड यार देखेंगे कौन सा गेम बेटर है। तो चलो गाइस, शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग से। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करता हूँ एंड क्रिएटिव करता हूँ, एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई रिसोर्स पैक नहीं है। तो गाइस, क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का आप लोग जानते ही होंगे यार, सब चीज कॉपी है माइनक्राफ्ट से, एंड इसमें आपको 1.20 का अपडेट देखने को मिल जाता है। तो गाइस, क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के सारे फीचर्स तो यार आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि यार आप लोग क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग ही खेलते हो। तो चलो गाइस, अब बात करते हैं अपने एक न्यू गेम की जिसका नाम है क्राफ्ट्समैन आरटीएक्स। तो गाइस, इस गेम का नाम प्ले स्टोर पे अलग है, यहाँ पर इस गेम का नाम है प्ले स्टोर पे क्राफ्ट्समैन रियलिस्टिक क्राफ्ट। तो गाइस, ये है क्राफ्ट्समैन आरटीएक्स। तो गाइस, गेम को देख के चौंक गया ना भाई, मैं भी पहले पहले चौंक गया था भाई। मैंने सोचा था भाई इसके अंदर आरटीएक्स कैसे आ सकता है। और हाँ गाइस, एक और बात, इस गेम में गाइस मुझे बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिला। तो गाइस, इसके अंदर आपको आरटीएक्स देखने को मिलता है, लेकिन यार शेडो का ऑप्शन अभी थोड़ा बहुत ही शो हो रहा है, क्योंकि यार अगर ज़्यादा शेडो डाल दी इन्होंने तो यार लैग करेगा 100%। और हाँ गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोग वीडियो में जाकर ब्राइटनेस को 50% मत रहने दीजिएगा, शुरुआत 50% आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो गैस, इसलिए आप लोग 100% कर दीजिए तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एंड गैस, यहाँ पे आप लोग वाटर के अंदर देख सकते हो भाई फुल रियलिस्टिक फीलिंग आती है। एंड गैस, टॉर्च को भी देख सकते हो भाई रियलिस्टिक फीलिंग इसकी भी आती है, एंड यार लगाने के बाद रियलिस्टिक फीलिंग थोड़ी बहुत हट जाती है। तो चलो गैस, अब मैं आपको बताता हूँ क्राफ्ट्समैन आरटीएक्स की तीन सबसे अच्छी बातें जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। नंबर वन, इस गेम में गैस आपको ना आरटीएक्स देखने को मिलता है पर यार लैग बिल्कुल भी नहीं करता है। हाँ, वो बात अलग है, आपका फ़ोन बहुत जल्द हीट होने लगेगा अगर आप लोग कम चंक्स पे चलाते हो तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नंबर टू, इसके अंदर भाई आपको रियलिस्टिक एनिमल देखने को मिलते हैं जैसे कि वुल्फ एंड पांडा देख सकते हो भाई रियलिस्टिक, एंड यहाँ पे काऊ को भी देख सकते हो भाई रियलिस्टिक। नंबर थ्री, इसके अंदर ना आपको क्लासिक यूआई देखने को मिल जाएगी जो कि भाई आपको माइनक्राफ्ट में देखने को मिलती है। और क्लासिक यूआई का फ़ायदा ये होता है कि आप लोग इधर से उधर सामान बहुत ज़्यादा इजीली रख सकते हो, और बहुत से बंदों को भाई ये पसंद आती है और मुझे भी पसंद आती है। और हाँ गाइस, क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के अंदर अभी तक आपको क्लासिक यूआई देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यार इस गेम में मुझे एक बहुत ज़्यादा बुरी बात लगी कि इसके अंदर 1.20 अपडेट नहीं है। तो गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा इसके अंदर गेम के अंदर वर्जन चल रहा है। तो इसके अंदर वर्जन चल रहा है 1.19.51, लेकिन यार इन फ्यूचर अपडेट आ सकता है 1.20 का। तो चलो गाइस, अब कंक्लूजन की बात करें तो यार देखो सिंपल सी बात है। तो देखो गाइस, अगर आपको आरटीएक्स के मजे लेने तो यार आप लोग क्राफ्ट्समैन आरटीएक्स डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको 1.20 के मजे लेने तो यार आप लोग क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन गाइस, जो भी कहे यार, दोनों गेम अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। और हाँ गाइस, मैं आपको एक और बात बताना भूल गया भाई, ये भी चैनल बेस्ट है, तो यार इसलिए वीडियो कर दो लाइक, चैनल पे नए हो चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तक ले गुड बाय।